आज हम आपको अवगत कराना चाहते हैं हमारे एक भय से और हमारे एक पूर्वानुमान से, जो हमको हम चाहेंगे कि नहीं हो, आशा करते नहीं होता है, लेकिन फिर भी विश्वसनीय सूत्र जब ये दिखाते हैं कि ये हो सकता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश के साथ, आपके साथ वो शेयर करें और अनुरोध करें कि ऐसा न किया जाए, क्योंकि अगर किया गया तो वो असंवैधानिक होगा, गैरकानूनी होगा। ये मुद्दा उठता है गुजरात के राज्यसभा चुनावों के विषय में, और हम आपको अग्रिम रूप से, और आपका मतलब देश को अग्रिम रूप से, जनता को अग्रिम रूप से, चुनाव आयोग को अग्रिम रूप से ये बताना चाहते हैं और चुनाव आयोग से अनुरोध करना चाहते हैं, और आजकल में जब समय मिलेगा तो वहाँ हम जाएंगे भी, कि यदि लेशमात्र भी परोक्ष या सीधे रूप से ये उद्देश्य है कि जो दो सीटें खाली हुई हैं गुजरात में माननीय अमित शाह और श्रीमती ईरानी की, उनके चुनाव अलग अलग तिथियों पे हों, अलग से हों, तो ये बिल्कुल असंवैधानिक होगा, गैरकानूनी होगा। मैं आपको समझा दूँ, ये मूल मुद्दा सरल है। जब जब एक चुनाव में, एक घोषणा में, लोकसभा में व्यक्ति ए, व्यक्ति बी, व्यक्ति सी चुनावित होते हैं, तो वो व्यक्ति अगर राज्यसभा के मेंबरान हैं तो वो व्यक्ति ए बी सी की सीट खाली होती है। खाली होने के बाद जब चुनाव होता है तो ये अनिवार्य रहा है, ये प्रथा रही है, ये रिवाज रहा है, ये कन्वेंशन रहा है, और यही संविधान और कानून कहता है कि जब आप पुनः उन रिक्त स्थानों को भरने के लिए राज्यसभा में चुनाव करेंगे तो एक साथ होने चाहिए। समझ लीजिए आप और हम लोकसभा चले गए तो दो सीटों का साथ होना चाहिए, ये नहीं कि एक का पहले करें और एक का दो हफ्ते बाद, चार हफ्ते बाद, छः हफ्ते बाद करें। क्यों? उसका भी बड़ा सरल उत्तर है। अगर आज आप गुजरात असेंबली में दो व्यक्तियों के रिक्त स्थान का चुनाव करेंगे तो गणित बड़ी स्पष्ट है कि लगभग फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस वोट के आधार पर एक सत्तारूढ़ पक्ष को मिलेगी सीट और एक विरोधी पक्ष को। ये स्थापित फॉर्मूला के अनुसार है। यही बात जब जब रिक्त स्थान हुआ है राज्यसभा से, लोकसभा गए हैं लोग, तो हरियाणा में, हिमाचल में, पंजाब में यही किया गया है कि एक साथ चुनाव होते हैं। अगर आप एक रिक्त स्थान का चुनाव कल घोषित करते हैं और दूसरे का तीन हफ्ते बाद, का उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, तो जो पहला चुनाव होगा वो सिर्फ एक असेंबली के बहुमत के आधार पे होगा जो सत्तारूढ़ पक्ष को पूरी तरह से समर्थन देगा, और दूसरा वापस सिर्फ एक बहुमत, सरल बहुमत के हिसाब से 51% के आधार पर होगा। तो ये एक प्रकार से देश के MLAs के जनादेश और मैंडेट से खिलवाड़ होगा। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ तथ्य दे दूं, और इसलिए ये बड़ा सरल मामला है लेकिन बड़ा गंभीर मामला भी है, क्योंकि ये असंवैधानिकता, अनैतिकता, गैरकानूनी सभी पक्ष सामने रखता है आपके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हो गया है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसकी घोषणा हो गई है। मैंने खुद कहा कि हम आपके ज़रिए पहले देश को और चुनाव आयोग को अवगत करवा रहे हैं, और आजकल में जब हमें समय दिया जाएगा तो हम चुनाव आयोग जाएंगे। लेकिन मुद्दा गंभीर इसलिए है, और मैं आपको समझा दूँ ये इसकी तकनीकी पक्ष, कि एक प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 69 में, कि जिस दिन चुनाव घोषित किया जाता है उसके रिजल्ट, परिणाम, उस दिन से वो स्थान राज्यसभा का रिक्त हो जाता है। अब इसमें आप जानते हैं कि सब चुनावित कैंडिडेट्स को, सब 550 जो भी लोकसभा के हुए थे, 545, उन सबको घोषणा पत्र के आप चुनावित हुए हैं मिला था 24 मई को, यानी मिस्टर सोएनसो आप चुनावित हुए हो, जो सर्टिफिकेट मिलता है वो 24 मई को मिला सबको एक ही दिन। घोषणाएं आंकड़ों की 23 को हुई थी अधिकतर,
23 मई को गणना जब हुई थी, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी में घोषणा रात तक चलती रही थी गणना, इसलिए घोषणा 24 को हुई थी, जहां से स्मृति ईरानी जी जीती थी। तो अब किसी बहानेबाजी में आप कहें कि चुनाव के आंकड़े तो 23 को निकले, एक केस में 24 को निकले, और हम राज्यसभा का चुनाव पहले करवाएंगे अमित शाह जी वाले स्थान का, और उसके कुछ विलंब के बाद, कुछ हफ्तों के बाद कराएंगे स्मृति ईरानी का, तो ये तो खिलवाड़ होगा, मजाक होगी। उसमें आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, मैं सरल बता दूं आपको। एक तो 69 है, जिसके अंतर्गत जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं या घोषणा होती है तब वो रिक्त हो जाता है स्थान, जो आप सब जानते हैं कि 23 तारीख को हुए सबके लिए और 24 को मिला सर्टिफिकेट। 24 से गिनना चाहिए क्योंकि घोषणा 24 को होती है सर्टिफिकेट द्वारा। अमित शाह जी को भी 24 को मिला, स्मृति ईरानी जी को भी 24 को मिला। दूसरा प्रावधान है कि भाई अगर रिक्त स्थान होता है तो आपको 6 महीने के अंदर चुनाव करना है। रिक्त स्थान तो हो जाता है उस तारीख से जबकि चुनाव घोषित हो गया, लेकिन उसके 6 महीने के अंतराल में चुनाव आयोग को पुनः चुनाव करके उस रिक्त स्थान को भरना है। उसका एक एक्सेप्शन अपवाद होता है जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, जब उसी असेंबली में 1 वर्ष के अंदर वापस भविष्य में चुनाव होने वाला है तो ये 6 महीने का रूल लागू नहीं होता, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये दो प्रावधान हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान की बात नहीं है। मैंने प्रावधान कहे क्योंकि आपने पूछे, बात है कि ये तो बड़ा स्पष्ट है कि ये प्रथा है, ये रिवाज है, ये परंपरा है, ये विरासत है, हमेशा होता है, और इसका कारण भी बड़ा स्पष्ट है कि इसका ये कोई ट्रिकरी का गेम नहीं है कि मैंने आज एक चुनाव किया और 51% वोट तो हम जानते हैं कि बहुमत की सरकार वाले पक्ष को होगा, उसके 2 हफ्ते बाद दूसरा किया उसको भी वही दोनों सीट मिल गई, जबकि नहीं तो सीट एक एक बांटती है। ये बात है मूल जी। पहले इस पे खत्म कर लें, कुछ और प्रश्न? दैट्स ऑल ऑन दिस इशू, दैट्स ऑल, एनीथिंग एल्स? ये आप दो अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं। हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं, न माननीय यूपी अध्यक्ष ने किया है, न मैं कर रहा हूँ। हम मुद्दों के आधार पर ये ज़रूर आरोप लगा सकते हैं, हमने कई बार आरोप लगाया, मैंने आपके समक्ष यहाँ बैठ के लगाया कि चुनाव आयोग ने मेरे ही दलील पे बड़े अच्छे मुद्दे पे ये कहा कि आपको हम निलंबित करते हैं इतने घंटों के लिए, लेकिन उसी चुनाव आयोग ने अपने कर्तव्य का परिवहन नहीं किया जब बात उसी मुद्दे पे आई, माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के मुद्दे। तो जहाँ पर ऐसा गफलत है वहाँ हम हिचकते नहीं हैं बोलने के लिए, लेकिन हम कोई ब्लैंकेट नहीं कह रहे हैं कि हर चीज़ में सदैव हर बात में। नंबर दो, क्या हमारा या देश की लगभग 80% राजनीतिक पार्टियों का जो संदेह है ईवीएम प्रोसेस में नया है, क्या हम आज पहली बार व्यक्त कर रहे हैं या जो कल आपको रायबरेली में सुना हो पहली बार है? ये संदेह, ये प्रश्न चिन्ह, ये सवाल लगभग 2013 से आपने बार बार औपचारिक रूप से सुना है, प्रकाशित हुआ है, हमने लिया है। साथ साथ इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईवीएम के अंतर्गत चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमने कहा कि अब विलंब है, अब संभव नहीं है, इसको ईवीएम के अंतर्गत ही लड़ना पड़ेगा। और अंतिम मुद्दा, इसीलिए हमने वीवीपीएटी का अनुरोध किया था कि ईवीएम को रखिए, उसी की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए, जो ईवीएम है उसी की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए आप वीवीपीएटी का मिलान कीजिए। इसमें एक अंतिम मुद्दा और है जो मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि हमने प्रश्न चिन्ह उठाया, संदेह उठाया, लेकिन ईवीएम के बारे में उसको प्रमाणित करने के लिए हमें यंत्र तंत्र तथ्य चाहिए होते हैं। ये तथ्य सिर्फ 2 एजेंसियों के पास होते हैं,
वो दोनों पिछले 5-7 वर्ष से कभी देने को तैयार नहीं है, तो हम कैसे आपके सामने प्रमाणित करें? हमको या तो चुनाव आयोग या सरकार वो मशीन दे सकती है जिसको हम प्रमाणित करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन आज तक वो हमको संभव नहीं हुआ। कहा जाता है कि आप या तो अपनी मशीन यूज करो, इसको मानते नहीं हैं, और या हमारी एक टेस्ट मशीन को करो जो यूजलेस है करना, इस्तेमाल कंट्रोल्ड कंडीशंस में करो। तो जब तक आप हमें वो संभावना नहीं देंगे, और सिर्फ 2 एजेंसी दे सकती हैं जो नहीं दे रही हैं पिछले कई वर्षों से, इसलिए प्रमाणित करना असंभव है। मैंने देखा नहीं है ये वक्तव्य, लेकिन अगर ये सच है तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, और बहुत कड़े शब्दों में करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि 70 साल में मैंने नहीं देखा कि इतनी स्वतंत्र एजेंसियाँ, और ऐसी एजेंसियों का कोई अंत नहीं है नामों का, RBI से, चुनाव आयोग से, CBI से, इसरो से, न्यूक्लियर एजेंसी कल कहेंगे आप, परसों कहेंगे आप कोई और एजेंसी, ये कब से राजनीति में पढ़ने लगे हैं? ये कब सुना आपने? अगर हमें गर्व है इन संस्थाओं पे, तो क्या हर सरकार बदलाव पे ऐसी टिप्पणियां होनी चाहिए? मैं वापस दोहरा रहा हूं, ये आपने कहा है, मैंने पढ़ा नहीं है। अगर ये सत्य है तो सत्य कुछ भी हो, यू हैव नो बिजनेस टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट्स। यू आर अ साइंटिस्ट, you are supposed to be pride of place in our institutions. Just because you find that a particular political party is out of power or in power, tomorrow will some other scientists start singing the tune of the Congress when we come back to power, that no, all things were delayed by BJP. This is not the work either of RBI or of ISRO or of, for that matter, CBI. Unfortunately, this is the growing culture of this country. It must be condemned by me and by BJP also, because democracy of Indian kind cannot flourish if institutions start taking sides. Did ISRO ever say this in the last so many years? Chandrayaan 1 was sent long ago. Chandrayaan 2 has been in the pipeline for so many years. Even ISRO, as far as I remember, has not said this sentence till after the election results. There was NDA 1 also. Today we have NDA 2. So why these sudden political instincts are arising? And I think the true spirit of democracy would be for the government of the day to also condemn it, that we don't encourage institutions to speak on political color. We will fight our own battles. I will fight my battle as Congress with you, BJP. But both of us should say, you please keep out of it. देखिए, मैंने पहले कहा था, कल मेरे मित्र सुरजेवाला जी ने कहा है, अन्य लोगों ने कहा है, यथास्थिति है अभी। जब तक कोई यथास्थिति में बदलाव नहीं आता, आपको सूचित करने की हमें आवश्यकता नहीं है। पहले व्यक्ति होंगे आप लोग सब सूचित करने वालों में से। वही पुरानी वाली है। मैं और भी स्पष्ट बोल दूं, मेरा उस तारीख का वक्तव्य पढ़ लीजिए, तारीख दे देता हूं मैं आपको भी। I read that statement and I would encourage you to read it again. Ms. Priyanka Gandhi very clearly, if you read the statement, said 2 things. Sonia Gandhi and the Janta of Rai Bareilly is responsible for this victory. You missed out the second part. Second, she added that those who did not work for the party will be looked into, investigated. I am exactly correct. I read it. Now, I very strongly endorse these 2 statements.
द पीपल ऑफ रायबरेली स्टूड अप लाइक अ रॉक बट सर्टनली वी हैव एविडेंस दैट इन लार्ज पार्ट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश पॉसिबली थिंग्स वर वॉन्टिंग एंड दैट इज इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट वी आर डूइंग रिव्यूज एंड वॉट इज रॉन्ग इन वॉट शी हैज सेड She has not named names, but that internal review is going on and should go on. मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपने वो वक्तव्य सही कोट नहीं किया है. माननीय प्रियंका गांधी जी ने दो या तीन बातें कही थी स्पष्ट. एक, कि इस विजय के लिए सोनिया गांधी जिम्मेवार हैं. दूसरा, इस विजय के लिए रायबरेली की जनता जिम्मेवार है. और तीसरा, कि जिन व्यक्तियों ने कांग्रेस के लिए पर्याप्त रूप से काम नहीं किया उनको हम तहकीकात करेंगे. तो मैं समझता हूँ ये तीन वक्तव्य बड़े स्पष्ट हैं, महत्वपूर्ण हैं, सही हैं. और हमारी हार बड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो पुनः विश्लेषण चल रहा है, चलना चाहिए. व्यापक होगा, गंभीर होगा, गहरा होगा. I will not say anything more or less than what I said 1 minute ago. किसी को कोई बिल्कुल बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं, किसी के माइंड में कन्फ्यूजन नहीं है. मैं दोहरा देता हूँ सुरजेवाल जी का वक्तव्य. आई प्लीज टेक दिस इज माई रेपिटेशन अडॉप्शन एंडोर्समेंट एंड रीअफर्मेशन ऑफ मिस्टर सुरजेवाला स्टेटमेंट. अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है. थैंक यू. अरे जब कल उन्होंने बोला और आदमी यथास्थिति कह रहा था, कल वाली